यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस के 5842 मीटर ऊंचाई पर स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त की सुबह 8:15 पर तिरंगा लहराने वाले पर्वतारोही नीतीश सिंह का जनपद में आगमन पर नागरिकों ने शास्त्री चौराहे पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया था, जिसके संबंध में पर्वतारोही नीतीश सिंह ने बताया कि माउंट एल्ब्रूस की सबसे ऊंची चोटी को चढ़ने में 4 दिन लगा तथा 15 अगस्त को सुबह 8:15 पर चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा, इस सफर को सफल बनाने में अनेक साथियों तथा नेताओं का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने कहा, सफर बहुत कठिनाइयों भरा था, लेकिन मन में विश्वास था कि चोटी पर पहुंचकर भारत का तिरंगा लहराना है, जो कि कर दिखाया। उन्होंने कहा, अगला लक्ष्य 2022 में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना है। इस अवसर पर प्रशांत जायसवाल, हरिकेश राम त्रिपाठी, अंकित मिश्रा, विजय श्रीवास्तव, दुर्गेश त्रिपाठी, विवेक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पर्वतारोही नीतीश सिंह ने कहा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल पितंगा तब शुभ नावे जागे तब शुभ आशीष मांगे तब शुभ जाएगा। एवरीवन, दिस इज नीतीश सिंह और मैं अभी एल्ब्रूस पे हूँ। माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक है 5642 मीटर, और मैं हर किसी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट बाला और नोवा इंटरप्राइजेज और सिंपली स्पोर्ट फाउंडेशन जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। अभी वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस ऊंचाई से मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो वैश्विक महामारी है, इस चीज़ को लेके मैं इस पीक को क्लाइम किया हूँ, और जितना मैं पीक क्लाइम किया हूँ जितनी हाइट तक उतनी हाइट तक हम लोग सैनिटरी नैपकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गोरखपुर में 5642 मीटर। और मैं हर किसी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुझे सपोर्ट के लिए, और मैं दाई का भी धन्यवाद बोलता हूँ एंड थैंक यू मल्टीनेशनल टूर्स और हर किसी का धन्यवाद। धन्यवाद किरण दीदी ऑल्सो टीम मेरे को सपोर्ट करने के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर्वतारोही नीतीश सिंह, सफ़र तो हमेशा कठिनाइयों भरा रहता है, लेकिन यही एक जुनून और मन में यही विश्वास रहता है कि उस चोटी को फतेह करना और भारत का तिरंगा लहराना है। इस चोटी को मुझे चढ़ने में 4 दिन लगे और 4 दिन में मैं इस चोटी को फतेह किया 15 अगस्त सुबह 8:15 पे। बहुत अच्छा लग रहा है कि गोरखपुर वासियों का प्रेम मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि सारे भाई लोग, बड़े भाई साहब और सब कोई यहाँ पे है। हमारे साथ माताएं भी आई, मम्मा भी आई हैं मेरी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।